हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर फूड। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी एसक्यूएल क्वेरीज को अपने हाथों से मैनुअली लिखते हैं और इसमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज लिखने में दिक्कत आती है, तो आज के इस वीडियो में आपका यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को बताना हूँ कि आप लोग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो है एसक्यूएल क्वेरीज कैसे एक सिंगल प्रॉम्प्ट में आप लोग लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आगे और हम लोग जानते हैं कैसे आप लोग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं लॉग इन कर चुका हूँ और लॉग इन के बाद जो इसका इंटरफेस है कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है। और यहाँ पे अगर आप लोग सबसे पहले देखें तो यहाँ पे आ रहा है राइट हियर व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे हमें अपना क्वेश्चन लिखना है। तो मैं टॉप 5 क्वेश्चन निकाल चुका हूँ जो 2023 में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज वो 5 क्वेश्चन को यहाँ पे डालेंगे और देखेंगे कि जो AI है वो जो क्वेरी एज आउटपुट सेंड कर रहा है वो मतलब सही है या नहीं है। सो अगर यहाँ डेटाबेस टाइप में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है डेटाबेस जो है वो सारे यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाते हैं। तो आप जो भी डेटाबेस यूज करते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैं मेनली MySQL यूज करता हूँ, तो मैं MySQL सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग अपने जो है प्रॉम्प्ट डाल देंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि राइट ए क्वेरी टू फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज बिटवीन 50,000 to 1,00,000। तो ये देखते हैं ये जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड, जैसे मैं क्लिक करता हूँ जनरेट SQL पे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है आउटपुट क्या देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज प्लस सैलरी बिटवीन 50,000 and 1,00,000। तो ये जो है जो क्वेरी जो रिटर्न किया है हमें ये एग्जैक्टली बहुत ही करेक्ट है। तो इससे हम लोग कोई भी क्वेरी हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं, कोई भी हम लोग अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे, क्वेश्चन डालेंगे और ये उसका जो है SQL क्वेरी हमें दे देगा। चलिए अब ट्राई करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सो फ्रेंड, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि राइट ए क्वेरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज दैट बिगिंस विद S। तो मतलब जिसका भी जो भी एम्प्लॉइज है जिनका नाम S से स्टार्ट होता है उसे ये क्या करेगा यहाँ पे फेच करेगा। उसके लिए हमें क्वेरी लिखना है। तो जैसे मैं जेनरेट SQL पे लिखता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जेनरेट करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रिटर्न कर चुका है सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर नेम लाइक S परसेंटाइल। तो मतलब ये क्या करता है कि S परसेंटाइल का मतलब होता है कि S से स्टार्टिंग हो उसके बाद से कुछ भी हो तो ये वो सारे नेम को ही फेच कर लेगा ये क्वेरी। अब चलते अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये वाकई में बहुत ही पूछा जाता है और ये है कि राइट ए क्वेरी टू फेच टॉप 10 रिकॉर्ड्स। तो ये मतलब जो टॉप 10 रिकॉर्ड होगा उसको ये फेच करेगा। उसके लिए हमें SQL क्वेरी लिखना है। तो हम लोग सिंपली जेनरेट SQL पे क्लिक करते हैं और जैसे ही जेनरेट SQL पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल लेंथ लिमिट 10। तो ये क्या करें कि पहला टॉप 10 होगा वो टॉप 10 को हमें फेच करके दे देगा। और ये जो लिमिट है ये काम करता है MySQL। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि मैं PostgreSQL में करना चाहता हूँ तो यहाँ सिंपली जेनरेट SQL पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी ये सेम है। अगर ये हम लोग देखते हैं दूसरे में MS SQL सर्वर पे देखते हैं तो यहाँ पे मैं भी शायद डिफरेंट हूँ। हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे सिलेक्ट टॉप 10 स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम। तो ये थोड़ा सा मतलब अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा बेस है उसमें ये अलग अलग तरीके से काम करता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रिजल्ट फेच करके दे देता है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें एक क्वेरी लिखना है जिसमें कि एम्प्लॉई नेम और एम्प्लॉई लास्ट नेम, मतलब एम्प्लॉई फर्स्ट नेम और एम्प्लॉई लास्ट नेम, ये दोनों सिंगल कॉमा के साथ सेपरेटेड रहना चाहिए और फुल नेम का जो है कॉलम नेम होना चाहिए। और ये क्या होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में एक स्पेस होना चाहिए। तो इसके लिए SQL मतलब SQL क्वेरी हमें जनरेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जनरेट SQL क्वेरी पे जनरेट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट एम्प्लॉई फर्स्ट नेम प्लस यहाँ पे ये स्पेस है प्लस एम्प्लॉई लास्ट नेम इज फुल नेम। और ये फुल नेम क्या होगा, ये मतलब कॉलम का नेम हो गया फुल नेम और यहाँ एम्प्लॉई फर्स्ट नेम स्पेस एम्प्लॉई लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल से फेच करके हम दे देंगे। अब हम चलते हैं अपना आखिरी जो है आखिरी क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, ये आखिरी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कि राइट क्वेरी टू फेच द एम्प्लॉई फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई इनपो टेबल इन द अपर केस एंड यूज द एलियस नेम एज एम्प्लॉई नेम। तो हमें क्या करना है कि जो एम्प्लॉइज फर्स्ट नेम है इसे हम लोग को फेच करना है, कौन से टेबल से फेच करना है, एम्प्लॉई इनपो वाले टेबल से हमें फेच करना है। और इसमें क्या करना है कि ये अपर केस में हमें फेच करना है, उसके बाद से जो एलियास हो उसका जो नाम होगा कॉलम के नाम ये एम्प्लॉई नेम के थ्रू यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा। तो चलिए हम लोग सिंपली जेनरेट SQL पे क्लिक करते हैं। जैसे हम जेनरेट SQL पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट अपर जो है अपर के साथ अगर हम जो भी कॉलम नेम या जो भी फील्ड हमारा पास करते हैं तो ये क्या करेगा, उसको जो लोअर केस में होगा ये सारे को अपर केस में कर देगा। एज EMP जो एज लगता है एलियास के लिए फ्रॉम
एम्प्लॉय इनफो, तो ये वाकई में बहुत ही सटीक जो है सटीक जानकारी देता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।